अगर सच्चे मीडिया होगा ना तो सर, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। वहाँ पे ये इतने लड़के खड़े हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सारे, ठीक है। हमने किसी को दाड़े नहीं मारे, किसी को कुछ बोला नहीं ना। अब आपको क्या लगता है कि जब मेडल सेरेमनी वहाँ पर होगी तो आप लोगों को पीछे रखा जाएगा? पीछे जिस चीज से एक बार अगर बंदे अगर हम खेल रहे थे ना, हमें इस चीज में इंटरेस्ट है। जब वहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है तो क्या करेंगे? हमें वो मेडल की जरूरत है, हम गेम देखिए। जितने भी ऑफिशियल हैं आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ बोला ही नहीं। हर बंदे की रिस्पेक्ट, हर सर की रिस्पेक्ट कर रहे थे हम, हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी हमारे साथ उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। दोनों टीम के बारे में सोचो ना, एक टीम के बारे में जिस टाइम इनको लगा कि उन्होंने पहले मीडिया बुलाया, हमने नहीं बुलाया था, मैंने मीडिया नहीं बुलाया ना, मैंने किसी को फोन किया, उन्होंने ही मीडिया बुलाया। मैंने उनको, हम बोल भी रहे हैं कि भाई गेम है, गेम को इसमें मीडिया वगैरह का कोई रोल नहीं, आप खेलो, लेकिन फिर भी वो मानने लगे। मीडिया में अपना वो दो बातें बोल दी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा वो डर, जो बाकी टीचर जो मैच करवा रहे थे वो उस चीज़ से डर गए, तो फिर उन्होंने गेम शुरू कर दी 2 घंटे बाद। एनर्जी भी नहीं, कुछ ना कुछ खाया ना पिया, गेम में ही बैठे रहे, अंदर बैठे रहे, हमारे प्लेयर घर चले गए, फिर मैच शुरू करवा रहे हैं। अभी ये चीज़ गलत थी सर। टीचर से बदसलूकी किसने की है? क्योंकि यहाँ पर बात सर देखो, नाम मैं ले नहीं सकता, वो तो लड़कों को पता है, सामने दिख रहा था, मतलब हम साथ में खेलते हैं, फ्रेंड है मेरा भी वो, बट मैं इतना बोल रहा था इनको कि अगर आपको डिसीजन लेना था दोनों टीम के हित में होना चाहिए था, एक टीम के हित में नहीं होना चाहिए था। अब मैं कबड्डी खेल रहा हूँ 6 साल से खेल रहा हूँ, 10 साल से खेल रहा हूँ, बट मैंने गेम जब भी खेली है गेम की तरह खेली है, कभी कोर्ट नहीं छोड़ा, मैदान छोड़ के भागना ही नहीं है। स्पोर्ट्स में अगर खेल रहा है बंदा मैदान छोड़ के, वो तो उधर ही हार गया ना, मैदान छोड़ के भागना नहीं होता। हम खेले एंड तक खड़े रहे, लेकिन 2 घंटे के बाद जब हमारे प्लेयर घर गए, कोई अखनूर से आ रहा था, कोई बेचारा अपने सर का वो कोट बलवाल से आ रहा था, उनको घर नहीं जाना, रात हो जाती है यहीं बैठे बैठे, फिर भी मान नहीं रहे थे। ये पार्शलिटी हो रही है हमारे साथ। अभी अभी आप कौन, आपकी टीम का नाम क्या है? जम्मू जोन से हम खेल रहे हैं सर। तो क्या गेम क्या थी? कबड्डी की गेम थी, और हम खेलते हैं, देखो सर हम कबड्डी गेम बिल्कुल साफ तरीके की खेलनी चाहिए, मिट्टी पे खेलते हैं, इंजरी हो सकती है, इन गेम में ये सब नहीं चलता कि ट्रॉफी वगैरह, ट्रॉफी का कोई चक्कर नहीं होता, हम गेम गेम के लिए खेलते हैं। मैं अभी घर से आया था, मैं स्टेडियम जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, शाम को अगर कहीं गेम हो रही हो ना, बस गेम खेलते हैं, हमें उससे फ़ायदा नहीं है। 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, घुटने रगड़ोते हैं, ये देख लो फेस वगैरह सब रगड़ोया हुआ है, सब कबड्डी के पीछे है। और एंड पे भी जब इतनी पार्शलिटी होती है ना कि अगर आप सर, एक तो बंदा आगे से आधे घंटे टीचर को बोल रहा है कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, अब बोलो वैसे बंदों को फिर खिला रहे हैं, हम जैसे बंदे चुपचाप करके खड़े रहेंगे, हमें कुछ नहीं पूछते। तो अभी 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 टीचर्स के साथ फिर हमारे प्लेयरों को, किसी को ट्यूशन जाना है, किसी को घर जाना है सर, घर फोन कर रहे थे, प्लेयर चले गए, अपोजिट टीम ने देखा कि इनके प्लेयर चले गए, फिर से आगे अंदर खेलने के लिए। अब 2 घंटे हम क्या यहीं पे बैठे रहते हैं सर, जो प्लेयर थे कम से कम उनको बुलाने का मौका देते, अगर थे वो खेले ही नहीं है। तो सर उन्होंने खुद से अपनी टीम उतारी है, उठा के खड़े कर दिए। ये टीम किसने उतारी है? टीम सर, सर ऑफिशियल ने, खुद ऑफिशियल ने जो यहाँ पे स्कोरिंग कर रहा है। ऑफिशियल कौन सा? हमारी बातचीत करवा सकते हैं। और ट्रॉफी क्या करनी, 500 रुपए की ट्रॉफी मैं भी दे दूंगा, लेकिन जो दिल में होता ना, गेम गेम खेली है, अपनी गेम की परफॉर्मेंस देख के खुश होना, वो चीज का खुशी अलग होती है, ट्रॉफी वगैरह से कुछ नहीं होता वाला नहीं है। स्टूडेंट है, सब स्कूल से आए हैं, स्कूल वेरीफाई है, सब खेल रहे हैं, अब 2 मैच हो गए, अब फाइनल मैच, आप कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी लगाओ, अब लड़कों के आगे आधे आधार कार्ड लड़के दूसरे में लेके चले गए, पहले क्यों नहीं लिया? हम देने के लिए तैयार है, वहाँ पे हमने सबमिट करवाए हुए हैं अपने सारे आधार कार्ड है, जो एलिजिबिलिटी होती है वो सारी सबमिट करवाई हुई है। जब कोचिस यहाँ पे अवेलेबल है तो फिर सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल ने, ऑफिशियल ने अगर मैनेजमेंट किसी एक प्लेयर से, अगर मैनेजमेंट प्लेयर से डर गई ना तो फिर वो कैसी मैनेजमेंट है? देखो ना, अगर प्लेयर बोल रहा है आपको, आपको उसको कन्विंस करना है, दूसरी टीम को नहीं बोलना है कि तुम बदतमीज हो, दूसरी टीम बेचारी खड़ी है, प्यार से हम इतनी नेचुरल तरीके से प्यार से बात करें, हमें किसी से इशू नहीं है। हमारे जो कोच है ना, उन्होंने हमें अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, अनिल सर हमारे कोच थे हमें स्टेडियम में, अभी तक भी जाते हैं ना सर, इवन कि बींग ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, पैर टच करना हमें नहीं माना जाता, मैं फिर भी टच करता था रिस्पेक्ट के लिए, कबड्डी की रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट करता था सर मैं, इससे ज़्यादा बात क्या बोल सकता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे इतने सामने सामने 7-8 लड़के थे हमारे, बच्चे बच्चे हैं सर, हमने जितने भी खिलाए थे 3 हम थे बड़े लड़के, बाकी हमने बच्चे बच्चे उठाए कि तुम भी साथ में खेलो, उन बंदों को वो भी नहीं दिख रहा, वो बोल रहे नहीं ये क्यों हो रहा है, 3 पॉइंट की लीड नहीं, 7 पॉइंट की लीड थी, चिट भी दी, सब कुछ दिया, फिर 2 घंटे उन्होंने जब डिस्प्यूट बनाया ना, अब जाके उन्होंने मैच शुरू करवाया और अब मैं नहीं खेल रहा था। स्कोर से बवाल हुआ है? हाँ सर, 3 पॉइंट की लीड थी उनकी, सर ने उनको जैसे बोला 3 पॉइंट की लीड है, वो बंदे बोलते नहीं 3 नहीं 7 पॉइंट की लीड है, हमने बोला 5-5 रेड करा दो, वो भी नहीं माने। 1 घंटा 2 घंटा हम मैदान में खड़े रहे, कोर्ट में बैठे रहे,
जब उन्होंने पहले बोला कि उनको वॉक ओवर दे दो, वो फिर भी अभी दो घंटे का मैच बाद फिर मैच शुरू करवा रहे हैं। वो आप देख सकते हो सामने चार लड़के बेचारे हमारे मैच खेल रहे हैं। क्या मैच खेलना फिर लड़ाई की कहाँ, जो जितने भी मीडिया वाले आए हुए हैं वहाँ पे इनवाइटेड है। इन्होंने आज दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मतलब कॉपरेशन दिखाई। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। दोनों ने मैच खेला और मैच दोनों कोर्ट जीत सारे मीडिया वाले आप वहां पे आओ मैडम सारा ये कह रहे हैं कि पार्शियलिटी हुई है अभी भी लगा आओ सारे मीडिया वाले उधर आओ आओ सारे वेलकम बेड स्कूल में चलो चलो आप लेकिन आ जाओ आ जाओ बच्चे कह रहे हैं पार्शियलिटी हुई है कोई पार्शियलिटी आ जाओ आ जाओ।